अंडर वाटर मेट्रो पर अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल पहले की कुछ जो तस्वीर थी वो ऐसी थी कि बीच में नदी होने की वजह से सियालदह से स्प्लेनेड तक जो मेट्रो आती थी, लेकिन अब नदी के नीचे टनल तैयार होने से 4 अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन बन गए हैं। और कमाल की बात यह है कि हर रोज जिन यात्रियों को हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था, वो सिर्फ चंद मिनटों में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कोलकाता घनी आबादी के बोझ से दबा वो शहर है जहां सड़कों की भी सांस फूलने लगती है। हावड़ा और सियालदह के बीच सड़क से दूरी तय करने में 1 घंटे से 45 मिनट तक लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टनल रेडी है और ट्रेन चलने के लिए तैयार है। इसमें जो फायदा होगा वो आपने देखा कि पहले हावड़ा ब्रिज में बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, आपको कलकत्ता से हावड़ा जाना है तो घंटों लग जाते थे। अब इस टनल के द्वारा नदी को क्रॉस करने में केवल मात्र 45 सेकंड लगेंगे और एस्प्लेनेड से हावड़ा जाने में 6 मिनट का टाइम लगेगा, जो पहले लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता था ट्रैफिक जाम में। पानी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पानी के नीचे होने के बावजूद सुरंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक बूंद पानी भी सुरंग के भीतर नहीं घुस पाएगा। जरा देखिए, जब कोलकाता मेट्रो के लिए सुरंग का काम पूरा हुआ था तो इस मुश्किल काम को पूरा करने के बाद कैसे तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया गया था। कोरोना के मुश्किल वक्त में भी हुगली नदी के नीचे चल रही सुरंग की खुदाई का काम नहीं रुका था। पैसों की बात करें तो सुरंग बनाने में 157 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आई है। सुरंग बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसके मुताबिक 120 साल तक मेट्रो के इस सुरंग में दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब ये मेट्रो स्टेशन दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। मेट्रो स्टेशन के किसी भी कोने को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये देश के बाकी हिस्सों के मेट्रो स्टेशन से अलग या किसी भी तरह से कम है। ये बदलते भारत और बढ़ते भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पानी के नीचे मेट्रो को दौड़ाकर हिंदुस्तान ने ये बता दिया है कि हम आगे बढ़कर नई तकनीक और नई चुनौतियों को पार करने वाला भारत बन चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे, और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री बुधवार सुबह 10:15 बजे कोलकाता में शहरी मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इस लोकार्पण के जरिए प्रधानमंत्री कोलकाता और आसपास की लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें से कोलकाता और आसपास की 6 शहरी सीटें हैं, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, जादवपुर, बारासात, दमदम और हावड़ा। ।2019 के चुनाव में बीजेपी का कोलकाता और आसपास की शहरी सीटों पर खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी के लिए इस बार इस इलाके में जीत किसी चुनौती से कम नहीं है। मोदी अंडर वाटर मेट्रो और बाकी परियोजनाओं के दम पर शहरी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना जाता है कि कोलकाता और आसपास के शहरी वोटरों पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी जब तक इस मजबूत पकड़ को कमजोर नहीं करती तब तक बंगाल के शहर को साधना आसान नहीं होगा। इसलिए मोदी की ये प्लानिंग सीधे शहरी मिडिल क्लास वोटरों को जोड़ने की है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।